अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम काशिफ फरीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल काशिफ एग्रीकल्चर। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं अर्ज करूँगा कि जिन लोगों की गंदम अगेती काश्त है और वो गोब पे आ गई है, वो इस वक्त क्या तदाबीर करें। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के निशान को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों जो जिन लोगों की अब गंदम गोब पे आ गई है, देखिए इतनी सर्दी में जो गंदम गोब पे आ गई है वो अच्छी अलामत तो नहीं है, लेकिन जो हालिया में बारिश हुई है ना वो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। वो अल्लाह की रहमत समझे क्योंकि उनसे उनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वो जो हालिया में बारिश हुई वो उस गंदम के लिए बहुत ही मुफीद है जो अब गोब पे आ चुकी है। तो जिन लोगों की अब गोब पे आ चुकी है ना, अल्लाह करे कि आगे जो है ना कोरा काम पड़े तो इंशाल्लाह गंदम की पैदावार अच्छी आएगी, वो दाना भी बनाएगी। तो अब ऐसा करना है कि जिन लोगों की गोब पे आ गई है, क्योंकि ज़्यादातर तो आप टीलर बना रही है या शगुफे बना रही है ज़्यादातर गंदम, तो लेकिन जिनकी गोब पे आ गई है वो ऐसा करें कि अमानो एसिड और पोटाश का स्प्रे कर दें उसके ऊपर, तो इंशाल्लाह उसकी पैदावार अच्छी आ जाएगी। देखिए ये स्वाद एग्रो के पास तो है स्पीड फॉल के पोटाश एन पी के है इसमें, और अमानो एसिड है जैसे कि वो सी मैक्स है वो कर दें, इंशाल्लाह इससे जो है ना पैदावार अच्छी आएगी। ये स्वाद एग्रो का मैंने बताया है, लेकिन आप तो हर कंपनी के पास ये अमानो एसिड और पोटाश हर कंपनी के पास है, जो आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्वाद एग्रो की करें, किसी कंपनी की भी आप कर सकते हैं। स्वाद एग्रो के पास आल्टन के नाम से भी है पोटाश, लेकिन जिसकी आप करना चाहें वो उस कंपनी की कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनकी आप गंदम गोब पे आ चुकी है, ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो दूसरा तरीका ये है कि ये जो गंदम है ना उसको 13-2-43 डाल दी जाती अल्ट्रासोल, तो ये बहुत ही बेस्ट था। लेकिन आप जो है ना गंदम हमारी वो उसमें बत्तर बहुत ज़्यादा है, हम उसको आप पाशी नहीं कर सकते, तो जो उसकी है ना 13-43 वो फ्लड होती है अल्ट्रासोल, तो वो हम फ्लड नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है, आप ऊपर स्प्रे करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करें कि पोटाश और अमानो एसिड का ऊपर स्प्रे कर दें तो इंशाल्लाह हमारी जो है गंदम की पैदावार अच्छी आएगी। आज की हमारी वीडियो का इतना ही खुलासा था, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।